हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो अभी हम लोग है प्रयागराज में, कुंभ का मेला अटेंड करने के लिए आए हैं। तो सोचा कि आनंद भवन और स्वराज भवन भी देख लिया जाए, तो हम अभी वही देखने के लिए जा रहे हैं। तो हम पहुंच गए हैं आनंद भवन, स्वराज भवन। यहाँ पे अंदर जाने के लिए टिकट लेनी पड़ती है। 20 रुपये की टिकट में हम लोग बाहर का घूम सकते हैं और 70 रुपीज़ की टिकट में हम पूरा म्यूज़ियम और सब कुछ अंदर का घूम सकते हैं। तो हमने भी 70 रुपीज़ की टिकट ली और अब हम जाएंगे अंदर। तो चलिए अंदर चलते हैं और इस दोनों इमारत के इतिहास को जानते हैं। तो अंदर एंटर होते ही आपको ये एक पत्थर जैसा दिखाई देगा, उसके ऊपर ब्लैक कलर का बोर्ड है, उस पर लिखा है आनंद भवन 1927-1927। यह भवन इस पत्थर के ढांचे से कहीं अधिक है। इसका हमारे राष्ट्रीय स्वतंत्रता संघर्ष से अंतर्गत संबंध रहा है। इसकी चार दीवारी में महान निर्णय लिए गए और इसके अंदर महान घटनाएं घटी। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये इमारत में कितने सारे हमारे स्वतंत्रता संग्राम से जुड़े किस्से, यादें छुपी हुई हैं। आनंद भवन के प्रवेश द्वार से आगे बढ़ने पर हमें सबसे पहले यह तुलसी का बिरवा दिखता है। यहाँ पे गंगा यमुना सरस्वती के संगम में विसर्जन से पहले जवाहरलाल नेहरू की अस्थियाँ रखी गई थी। इसके अलावा पूर्व प्रधानमंत्री और इस घर की बेटी इंदिरा गांधी की अस्थिया की राख को हिमालय के शिखरों पर बिखराए जाने और राजीव गांधी के अस्थियों का विसर्जन संगम में किए जाने के पूर्व यहाँ पे रखी गई थी। तो चलिए अब चलते हैं नेहरू जी के घर के अंदर। जब गांधी जी और अन्य स्वतंत्रता सेनानी उनके घर पे आते थे तो इसी जगह पे बैठ के वो लोग सब सीक्रेट डिस्कशन किया करते थे और स्वतंत्रता संग्राम के सारे महत्वपूर्ण निर्णय यहीं पे बैठ के वो लोग लिया करते थे। इसको हमने कई बार फिल्मों में भी देखा है और यहाँ पे नेहरू जी की लाइब्रेरी हुआ करती थी। तो ये वो जगह है। और ये इंदिरा गांधी का बेड है। ये टेबल कुर्सी पे बैठ के नेहरू जी सब राइटिंग किया करते थे। और यहाँ पे लिखा है महात्मा गांधी जी ने यहाँ पे कार्य किए थे। महात्मा गांधी जी जब आते थे तो यहाँ पे खड़े होके सबको संबोधन करते थे। ये पूरे नेहरू जी के घर के अंदर के दृश्य हैं। और गांधी जी आते थे तो यहाँ पे रहते थे और यहाँ पे चरखा चलाया करते थे। ये दीवान खंड है नेहरू जी का। ये नेहरू जी का बेडरूम है, इसी बेड पे वो सोया करते थे। सन 1899 यानी कि 1899 में मोतीलाल नेहरू ने इस बंगले को ख़रीदा था। तो ये पूरी प्रॉपर्टी जो है वो मोतीलाल नेहरू की हुआ करती थी, लेकिन अभी ये गवर्नमेंट के अंदर में है और अभी यहाँ पे म्यूज़ियम वगैरह सब बनाया गया है। यहाँ पे कोई रहता नहीं है अभी, लेकिन यहीं पे पूरा नेहरू खानदान रहा करता था। आनंद भवन जो है उसमें मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू वगैरह रहते थे। और स्वराज भवन है, वहाँ पे इंदिरा गांधी का जन्म हुआ था और उसके बाद इंदिरा गांधी वहाँ पे रहती थी। इस भवन में नेहरू परिवार की स्मृति सर्वदा उसी प्रकार समाविष्ट है जिस प्रकार लोगों के हृदयों में जिनकी उन्होंने सेवा की थी। तो
तो चलिए अब चलते हैं स्वराज भवन संग्रहालय यानी कि म्यूजियम में। और अब चलते हैं इंदिरा गांधी की जन्मस्थली स्वराज भवन में। यहीं पे इंदिरा गांधी का जन्म हुआ था, उनका बचपन बीता था और इंदिरा गांधी यहीं पे रहा करती थी। तो उसके घर के अंदर उसकी सारी बहुत सारी स्मृतियाँ मौजूद है। तो चलिए चलते हैं। हमने म्यूज़ियम में से बहुत सारी बुक्स परचेस की और हमारी स्वराज भवन और आनंद भवन की पूरी टूर यहाँ पे कंप्लीट हुई। हम बाहर आ गए हैं और अब हम करेंगे थोड़ी सी फोटोग्राफी। तो इसी के साथ ही हमारी आनंद भवन और स्वराज भवन की टूर यहाँ पे समाप्त होती है और इसके बाद हम जाएंगे एल्फ्रेड पार्क में, जो कि है चंद्रशेखर आज़ाद का वीर गति स्थल, जहाँ पे चंद्रशेखर आज़ाद शहीद हुए थे। कुंभ के सभी वीडियोस की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रखी है, तो आप वहां से सभी पार्ट देख सकते हैं। और मेरे साथ मेरे चैनल पे अच्छे अच्छे वीडियो देखने के लिए बने रहिएगा। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल एंड ऑल्सो प्रेस द बेल बटन टू गेट मोर अपडेट्स। और अगर आपको वीडियो मेरा अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक और कमेंट कर दीजिएगा। आभार। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।